कई बार चलने या फिर एक्सरसाइज करने के बाद हमारे हाथ पैर में सूजन आ जाती है, इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। हाथ पैरों में सूजन की परेशानी कई बार एडिमा के कारण हो सकती है। इसके अलावा चलने या फिर एक्सरसाइज करने के बाद हाथ पैरों में सूजन आने के कई और अन्य कारण हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चलने या एक्सरसाइज करने के बाद आपके हाथ पैरों में सूजन क्यों आती है। जब अचानक आप सामान्य तापमान से गर्म तापमान के संपर्क में आते हैं तो इस सिचुएशन में आपका शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए संघर्ष करता है। आमतौर पर हमारा शरीर गर्म ब्लड को स्किन की सतह की ओर धकेलता है ताकि ये पसीने के संपर्क में आकर ठंडा हो जाए। गर्म और नमी वाले दिनों में ये प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर सकती। इस वजह से ब्लड पसीने के थ्रू ना निकलकर हाथों में तरल पदार्थ के रूप में जमा होने लगता है। इस वजह से हाथों में सूजन आने लगती है। इसके साथ ही आपके शरीर में कुछ अन्य लक्षण हैं, जैसे कि शरीर के तापमान में वृद्धि, चक्कर या बेहोशी आना, उलझने होना। कहते हैं कि हमारे शरीर में नमक और पानी का संतुलन होना जरूरी होता है। अगर शरीर में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर किडनी पर पड़ता है। किडनी हमारे शरीर में मौजूद गंदे पदार्थों को बाहर निकालता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो किडनी का कार्य बाधित हो जाता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसे में हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करने में काफ़ी परेशानी होती है। इससे आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस कारण से आपके हाथ पैर में सूजन आ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।